नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो हमारे कमेंट बॉक्स में जेशान खान जी ने बार बार डाला है और समय के अभाव के कारण मैं उसको नहीं बना पा रहा था। कुछ नवरात्र बीच में आ रहे थे, उससे रिलेटेड वीडियो बनाने थे। कुछ वीडियो पहले हम अपलोड कर देते हैं, वो भी यानी कि उनको हटाया नहीं जा सकता। उस चक्कर में कुछ लेट हो गया जेशान खान जी, माफ़ी चाहूँगा आपसे। बड़ी खुशी होती है जब कोई आप जैसा सब्सक्राइबर जो रियलिटी को रियल तरीके से जानना चाहता है वो कमेंट करता है और बड़े बड़े अच्छे टॉपिक वो हमें सजेस्ट करता है, और हमें भी पता लगता है कि आप वास्तव में हमारे द्वारा किया हुआ कार्य जो है उसको आप स्वीकार कर रहे हैं और उसको आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, अनुशंसा कर रहे हैं। जेशान खान जी ने जो मुझे वीडियो बनाने के लिए कहा है वो है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हालांकि इस पे चार अलग अलग वीडियो तो बनते ही हैं, इसके अलावा जो मैं आज दे रहा हूँ वो भी मैं दूंगा ही, क्योंकि बड़ा ही गूढ़ ये विषय है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पे बोलना भी एक गूढ़ है, उसके लिए भी काफ़ी एक्सपीरियंस और काफ़ी वर्क चाहिए, तब आप इस खास टॉपिक पे बोल सकते हो। हालांकि YouTube पे बोलने वाले बहुत हैं और बोला ऐसे भी नहीं जा सकता, आप समझ सकते हैं कि कैसे बोला जा सकता है, सुनने वाला ज़्यादा बेटर समझ सकता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, चार चीज़ें जो है ना, है सारा का सारा मन का विषय। एक्चुअल में वेदांत जब शुरू होता है ना, वेदांत जो हमारा ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट है इसको खाली बॉडी नहीं मानता, इसको तीन चीज़ों का कम्बिनेशन मानता है, एक बॉडी, एक माइंड मन और तीसरा सोल आत्मा। और मन तो इतना विशाल है, इतना विस्तृत है, और सारा कुछ मन के कारण ही है। जो कुछ भी है आप देख रहे हैं अपने चारों ओर, मैं अपने चारों ओर देख रहा हूँ, ये सारा का सारा मन के कारण ही है और कुछ नहीं। मन को अगर डिफाइन करना हो तो एक ऐसा स्पेस, एक ऐसी जगह, वैसे एक ऐसा मटेरियल है जिसके बारे में आज तक कोई जान नहीं सका। उस मटेरियल को साइंस ने भी प्रोजेक्ट किया है लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं किया, और वेदांत और जो हमारे ग्रंथ है वो तो उसकी बात करते ही हैं। मुझे लगता है कि सारी की सारी चीज़ें मन नाम के मटेरियल से बनी हुई हैं, दुनिया की सारी चीज़ें, इसलिए मन से कुछ भी पाया जा सकता है और मन से कुछ भी गवाया भी जा सकता है, दोनों बातें सत्य हैं। अगर मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ का अभाव चल रहा है उसका कारण भी मन है। मेरी ज़िंदगी में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रही है, अधिक आ रही है, उसका कारण भी मन है। क्योंकि ना, आप अगर जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बहुत सारा पैसा कमाना या बहुत सारा धन एकत्रित करना, बहुत सारी चीज़ें एकत्रित करना एक सामाजिक रूप से अच्छा हो सकता है लेकिन आध्यात्मिक रूप से उसको अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए मैंने ये शब्द यूज़ किया कि अगर कोई चीज़ अधिकता से मेरे पास आ रही है उसके पीछे भी मन है, उसके बारे में भी सोचना पड़ता है। अधिक भी नहीं आना चाहिए और कम भी नहीं आना चाहिए, दोनों ही घातक है, उतना ही घातक है, जितना कम घातक है उतना अधिक भी घातक है। मन एक ऐसी जगह है जहाँ पे विचार चलते हैं, खाली मन है तो उन विचारों के ऊपर किसी प्रकार की कोई लगाम नहीं है, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। मोर देन 80% लोगों के विचार चलते ही चले जाते हैं और वो मन में ही जीते हैं। एक तल है, बहुत नीचे का तल है कि मन की मानते चले जाना, जैसा मन में पैदा हुआ उसको मानते चले जाना, वो एक तामसिक वृत्ति है। और जितनी भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, जितने भी अपराध होते हैं, वो मन के कारण होते हैं, बुद्धि के कारण भी होते हैं लेकिन मन के कारण अधिक होते हैं। ये तो है मन की डेफिनेशन, यानी कि श्रृंखला है विचारों की, विचार पैदा होने की जगह है। वो विचार डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं, और उन विचारों को रोका भी जा सकता है और नहीं भी रोका जा सकता। नहीं रोका जा सकता जिन विचारों को, वो है मन। अब अगर रोकथाम वाली कोई फैकल्टी पैदा हो जाए, मन के अंदर ही पैदा होगी, बाहर से नहीं आएगी, उसी मन के अंदर जिसके अंदर बहुत सारे विचार पैदा हो रहे हैं, उसी के अंदर अगर एक ऐसी फैकल्टी पैदा हो जाए जो उनको रोकने की कोशिश करे, उनको छानने की कोशिश करे कि भाई ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है, उस फैकल्टी को हम बोलेंगे बुद्धि। जैसे मैंने बताया था कि
इन चारों टॉपिक पे अलग अलग वीडियो भी बन सकते हैं, तो बुद्धि पे भी अलग वीडियो बनेगा ही और मन पे भी अलग वीडियो बनेगा कि कितने प्रकार के मन हो सकते हैं, कितने प्रकार की बुद्धि हो सकती है, कितने प्रकार का चित्त हो सकता है। और अहंकार की बात रही तो अहंकार तो एक ही प्रकार का होता है। अहंकार का मतलब घमंड नहीं है, घमंड अलग चीज़ है, अहंकार अलग चीज़ है। तो जब विचारों के को छानने की प्रक्रिया दिमाग के अंदर शुरू हो जाए कि जैसे पहले सोचते थे वो कर देते थे, अब अगर कुछ एक अलग फैकल्टी पैदा हो जाए जो सोचने लगे करने से पहले, तो वो बुद्धि है। अब बुद्धि आ गई, बुद्धि का जब प्यूरिफाई हो जाती है तो ये चित्त में बदल जाती है, चित्त चिंतन करना शुरू करता है। चिंतन हमेशा सत्य का ही होता है, चिंतन कभी भी असत्य का नहीं होता। हाँ, तीन प्रकार का चिंतन हो सकता है, लेकिन चिंतन जब बुद्धि प्यूरिफाई होती है तो सत्य का ही करता है, चित्त चिंतन करता है। चिंतन असत्य का नहीं हो सकता, असत्य का चिंतन तो मन ही करेगा, बुद्धि नहीं करेगी। फिर बात आती है अहम की। अहम का मैंने जैसे बताया कि घमंड अहम नहीं है, अहंकार भी अहम नहीं है। हालांकि अहंकार शब्द हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, लेकिन उसका मतलब वो अहंकार नहीं होता जो हम आमतौर पर सोचते हैं। अहंकार खाली इतना ही है, मन बुद्धि चित्त को कंट्रोल करने वाला एक सोल है, आत्मा है। आत्मा कह सकते हैं, अपनी धर्म के जो जिस धर्म से आप बिलोंग करते हैं कुछ भी कह सकते हैं, डजेंट मैटर। एक ऐसी कोई चीज़ है जिसके पीछे देखने वाला है, समझने वाला है, मानने वाला है, यही मानने वाला अहंकार है। मैं मान रहा हूँ मैं हूँ, बस यही मेरा अहंकार है। घमंड नहीं, मैं हूँ बस यही मेरा अहंकार है। और ये ऐसे नहीं टूट सकता, बात तो ऐसे नहीं टूट सकता। जब तक चित्त से चिंतन नहीं करवाया जाएगा, मन चित्त नहीं बनेगा और चित्त से चिंतन नहीं होगा और डीप मेडिटेशन में समाधिस्थ नहीं होंगे, तब तक बात नहीं बनेगी, तब तक अहंकार खत्म नहीं हो सकता। वो अहंकार ऐसे खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। मैं अच्छा सोच रहा हूँ, अहंकार तब भी है, अहम अहम मैं हूँ ना, बस यही अहंकार है। इसी को तोड़ने की प्रोसेस को ही मोक्ष कहा जाता है। जब अहंकार टूट जाएगा, यानी कि मैं उसमें विलीन हो जाऊँगा जिसके कारण से मैं हूँ, उससे पहले मैं सोच उसी के बारे में रहा हूँ, तब भी अहम में हूँ, क्योंकि मैं हूँ बस इतना इतना ही होता है अहंकार की डेफिनेशन के लिए। मैं हूँ बस यही मेरा अहंकार है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो शॉर्ट फॉर्म में मैंने जयशान खान जी आपको ये जानकारी दे दी। निश्चित तौर पे एलोबोरेट करके बड़े अच्छे से एक एक चीज़ को मैं अलग अलग करूँगा और इस पे पूरी सीरीज के हिसाब से आपको वीडियो दूंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन मंगलमय हो।